सनी देओल की आने वाली फिल्म भैया जी सुपर हिट, जो काफी वक्त से डब्बा बंद थी, फाइनली रिलीज हो रही है। सनी देओल के करियर के लिए फिल्म बहुत खास हो सकती है, और आइए इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। इस फिल्म में पहले कॉमेडी का जिम्मा थमाया गया था तुषार कपूर को, लेकिन बाद में उनको ड्रॉप करके श्रेयस तलपड़े को उनकी जगह ले लिया गया। उसका कारण देओल्स की श्रेयस तलपड़े के साथ केमिस्ट्री मानी जा रही है, जो कि फिल्म पोस्टर बॉयज में साफ नजर आई थी। फरवरी 2011 से ये फिल्म बन रही थी और फाइनली रिलीज होने वाली है। श्रेयस तलपड़े के ऑपोजिट पहले एवेलिन शर्मा को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इस फिल्म में पहली बार सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले हीरो में दोनों 2008 में आई हीरोज में नजर आ चुके थे, लेकिन दोनों ने एक साथ कोई सीन नहीं किया था। सनी देओल की पहली ऑफिशियल डबल रोल वाली फिल्म शंकरा थी, जो 1991 में आई थी, लेकिन उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके प्रेजेंट कैरेक्टर में फिल्म में बहुत ही कम सीन्स थे और उनके पास्ट का कैरेक्टर ज्यादा था। इस बार सनी देओल का ये डबल रोल फुल फ्लेज्ड डबल रोल होगा, तो उनके करियर की ये पहली फिल्म होगी। फिल्म का टीजर पोस्टर रिलीज हुआ था, तब भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि उसमें सनी देओल को जॉनी डेप जैसा दिखाया गया था, और इस पर काफी ट्रोल किया था फिल्म के सनी देओल के फैंस ने फिल्म को। फिल्म की शूटिंग 2016 में दोबारा शुरू हुई और 3 साल का और डिले हुआ फिल्म को रिलीज होने में। ये फिल्म प्रीति जिंटा के करियर की आफ्टर वेडिंग पहली फिल्म थी। फिल्म की स्टारकास्ट को उन्होंने 2016 में जब फिल्म वापस शुरू हुई थी तब ही ज्वाइन करा था। इस फिल्म के लिए सुभाष घई को भी अप्रोच किया गया था प्रोडक्शन के लिए, जब सर फौजिया ने मना कर दिया था कि वह फिल्म का बजट नहीं बढ़ाएंगे और फिल्म का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। वहीं बताया जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर महेंद्र धारीवाल और देओल्स के बीच में डिस्प्यूट भी हुआ था, जब देओल्स ने रेम्यूनरेशन मांगा था डबिंग से पहले ही। वहीं देओल्स ने यह मौका भी दिया था कि फिल्म को उनके प्रोडक्शन बैनर विजेता फिल्म्स में रिलीज किया जाए। तब महेंद्र धारीवाल ने कंसल्ट किया था एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा से। टीनू वर्मा के कहने पर उन्होंने सनी देओल को पैसे दे दिए और प्रोजेक्ट कम्प्लीट भी किया। तो भैया जी सुपर हिट आने वाले हैं बड़े पर्दे पर, दो रोल्स में, एक तरफ होंगे यूपी के डॉन भैया जी और दूसरी तरफ होंगे सुपर हिट एक्टर। कैसी होगी इनकी जोड़ी, ये पता चलेगा जब रिलीज होगी भैया जी सुपर हिट।